हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर। आई एम योर अवधेश सर। नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप डी रेलवे। वी आर टीचिंग यू जनरल साइंस। ओके गाइस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू। एनिमल किंगडम। दोस्तों, आज एनिमल किंगडम आपका मैं टॉपिक लेके आया हूँ। जनरल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बायो में जनरल साइंस से। और इसके लिए मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है, हम अपने देश को भारत माता भी कहते हैं। माँ का कितना महत्व है, गौ माता, तुलसी माता, भारत माता। तो यहाँ पर नारी शक्ति को बहुत महत्व हम लोगों ने दिया है। और नारी शक्ति की अगर हम श्रद्धा भाव से या सम्मान से हम उसको देखते हैं तो हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चाहे आदि जननी शक्ति जगत जननी माँ हो, चाहे अपनी माँ हो, तो यहाँ माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए नारी शक्ति के बारे में जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है तर्पण, उसकी चार पंक्तियाँ मैं करा करके बात समाप्त करूँगा। जयशंकर प्रसाद जी कृति तर्पण में कहा गया है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पाताल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का, होता युद्ध रहा संघर्ष सदा। कुछ अंतर में जीवित नित वृद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर, मन का सब कुछ रखना होगा तुमको अपनी स्थिति रेखा से। यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, ये संधि पत्र लिखना होगा। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की ये तर्पण नामक कृति है जो मैंने आपको चार पंक्तियाँ दी, इसमें नारी शक्ति का कितना बड़ा योगदान दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने विषय पर आता हूँ, एनिमल किंगडम। तो उसमें आप ध्यान देंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जंतु जगत, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी वर्डिंग रिग्रेशन एंड वर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसमें कौन सा जीव हो सकता है, खमीर हो सकता है, या प्लाज्मोडियम हो सकता है, या हाइड्रा हो सकता है, या प्लेनेरिया हो सकता है, जो पुनर्जनन और मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो ऐसा जीव जो है वो हाइड्रा होता है। ये कई बार एग्जाम में आया, 2016 में भी आया है, 2014 में भी आया है, 2018 में भी आया है, आरआरबी में, कभी एएलपी में आ गया है, कभी ग्रुप डी में आया है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, को ध्यान से समझ लेंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? कौन सा बना है, लीवर फ्लूक बना है, या प्लेनेरिया बना है, या टेप वारिय बना है, या हाइड्रा बना है, टेप वार्म। तो अब इसमें जो शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बनता है वो हाइड्रा का होता है। किसका होता है, हाइड्रा, ये हाइड्रा हो गया। और कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी बडिंग रिग्रेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है,
ये भी मैंने आपको बता दिया हाइड्रा होगा। अगला है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, स्पंज क्या होता है, एक कवक होता है या एक जीवाश्म होता है या एक पौधा होता है या एक पशु होता है। तो स्पंज जो होता है जीव विज्ञान में एक पशु होता है। अगला है कलिका जिसे बडिंग कहते हैं द्वारा नया जीव कौन सा होता है, कीटाणु या पैरामीशियम या हाइड्रा या अमीबा। तो ये हाइड्रा होता है, जो बडिंग के द्वारा नया जीव होता है वो हाइड्रा होता है दोस्तों। इसके बाद में इसी प्रकार से अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, पांचवा प्रश्न देखिएगा। इसमें जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन सा समूह जंतुओं का सबसे बड़ा होता है, नेमाटांडा होता है या आर्थ्रोपोडा होता है या एनेलिडा होता है या मोलस्का होता है। तो दोस्तों इसमें आर्थ्रोपोडा नाम का जो समूह होता है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, मकड़ी के होते हैं या सहस्त्रपाद के होते हैं या गोजर के होते हैं या ब्याज पतंग के होते हैं। तो साथियों इसमें सबसे ज़्यादा पैर इन चीज़ों में जो चार चीज़ें दी गई हैं, तो सहस्त्रपाद नामक जंतु है उसके सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। इसको घुमा करके इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मकड़ी गोजर ब्याज पतंग और सहस्त्रपाद में किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो हो जाएंगे सहस्त्रपाद के। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता, किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता, मधुमक्खी के लिए या झींगुर के लिए या टर्माइट के लिए या चींटी के लिए। तो इसमें झींगुर नाम का जो जीव है उसको सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता, ये हो गया। इसके बाद में अगला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से है, केचुआ तो आर्थ्रोपोडा से है या मोलस्का से है या एनेलिडा से है या प्रोटोजोआ से है। तो केचुआ जो है आपका प्राणी संघ जो है वो एनेलिडा से संबंधित है। इस प्रश्न को घुमा करके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का एनेलिडा और प्रोटोजोआ में से केचुआ कौन से प्राणी संघ से है, तो एनेलिडा से हो जाएगा। ये कई बार ALP में ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। इसके बाद में अगला प्रश्न 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, त्वचीय श्वसन होता है किसमें होता है, यह त्वचा से श्वसन कौन लेता है, शरीर से पक्षी लेते हैं या इंसान लेते हैं या केचुआ लेता है या मछली। तो त्वचा से श्वसन केचुआ लेता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि पक्षी या इंसान या केचुआ या मछली में से कौन सा जीव जो है वो त्वचीय श्वसन करता है, तो त्वचीय श्वसन केचुआ करता है। अगला एक प्रश्न आता है 10वां, किसके प्राणी अगतिशील होते हैं, पोरीफेरा के या स्लेट्रेट के या प्लेटी हेलियम थीज के या नेमेटोडा के। तो इसमें आपका पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। तो ये मैंने जंतु जगत में एनिमल किंगडम में अभी 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो इसी लेसन से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से देखिएगा पढ़िएगा, इस लेसन में से ज़रूर आते हैं जीव विज्ञान में, ठीक है। तो साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत इसी प्रकार से करते रहेंगे, लगे रहिए, ज़्यादा समय भी नहीं है, और अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ने वाला नहीं हूँ जो ना इम्पॉर्टेंट ना हो, यानी हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं कराऊँगा, हर सब्जेक्ट से कराऊँगा। तो इसीलिए अभी अपने जनरल साइंस के
मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं वो कराने के बाद फिर अगले विषय को कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। मैं जय हिंद, जय भारत।